सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस लीग के सारे अपडेट्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जस्टिस लीग 2 आने वाली है, लेकिन स्टूडियो ने ये फाइनल कर दिया था कि जब तक वो इस फिल्म का बजट नहीं देखेंगे तब तक वो इसके सेकंड पार्ट पर काम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जस्टिस लीग के सेकंड पार्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, ये बात कन्फर्म है और हमें जस्टिस लीग का सेकेंड पार्ट देखने मिलने वाला है 14 जून 2019 को। तो ऐसा क्या हो गया जिससे कि स्टूडियो ने इसके सेकेंड पार्ट पर काम स्टार्ट कर दिया? वेल, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं डीसी को ये लग रहा है कि उसकी फिल्म ऑलमोस्ट हिट है, और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस लीग के जितने भी एड्स हैं और जितने भी प्रमोशनल कंपनी इस फिल्म को लेकर कर रही है, यहाँ तक के इसके मर्चेंडाइज है, वो इतने तेजी से बिक रहे हैं कि कंपनी को ये अंदाज हो गया है कि ये फिल्म जरूर हिट होगी। और इस फिल्म को रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और इसकी टिकट बुकिंग अदर कंट्रीज में स्टार्ट भी हो चुकी है, जिसके चलते स्टूडियो ने ये कन्फर्म किया है कि ये फिल्म दी एवेंजर्स का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर की बात नहीं की है, मैं फर्स्ट एवेंजर मूवी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म उसके बजट तक जरूर पहुँचेगी, जिससे के डीसी के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये फिल्म उस बजट तक पहुँचनी ही चाहिए, क्योंकि हमें डीसी की आगे भी और मूवीज देखनी है, क्योंकि डीसी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही अच्छी है, खास करके जब वो फिल्म जॉश वेडोन के हाथ में हो। और दूसरी खबर ये है कि आप सबको पता है कि स्टीफन वुल्फ डार्क का अंकल है, लेकिन अब उन्होंने इस चीज को मूवी में चेंज कर दिया है। आप सबको ये बात पता है कि स्टीफन वुल्फ डार्क साइड का अंकल है, जिसके चलते डार्क साइड उसे अर्थ पर मदर बॉक्स लाने के लिए भेजता है, लेकिन इस फिल्म में उन लोगों ने चेंजेस ये किए हैं कि वो सिर्फ अपने लिए काम करता है और वो मदर बॉक्स अपने लिए हासिल करना चाहता है। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि उसे अर्थ पर डार्क साइड ही भेजता है, लेकिन वो उम्र में उससे ज्यादा बड़ा है, जिससे कि स्टीफन वुल्फ को अब डार्क साइड के साथ काम नहीं करना। ये फिल्म में मेजर चेंजेस है, पहले ये जैसे कॉमिक्स में थे वैसी ही रखा गया था, लेकिन जॉश वेडोन के आने से इस चीज को चेंज कर दिया गया है। और रही बात इस फिल्म की रनिंग टाइम की, वेल, पहले जब ये फिल्म जैक के हाथ में थी तब इस फिल्म की रनिंग टाइम पूरे 3 घंटे थी, लेकिन अब इस फिल्म की रनिंग टाइम को कम कर दिया गया है, तो अब इस फिल्म की रनिंग टाइम है पूरे 121 मिनट। तो ये फिल्म सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट की ही होगी, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर जॉश ने ये बताया कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा प्रमोशन थे जस्टिस लीग के, जिससे कि उन्होंने उस पूरे सीन्स को हटाकर इस फिल्म की रनिंग टाइम इतनी कर दी है। वेल, मेरे हिसाब से जैक काफी ज्यादा एक्साइट थे और वो इसी फिल्म में फैंस को सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्टर जॉश है तो अब उन्हें पता है कि इस फिल्म को किस तरीके से दिखाना है फैंस को। और रिसेंटली स्टूडियो लोगों को ये हिंट दे रहा है कि शायद इस फिल्म में ग्रीन लैंटर्न भी है, क्योंकि एक टीवी शो है जो वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है और उसका नाम है बिग बैंग थ्रिलॉजी। वेल, वो शो वार्नर ब्रदर्स का है, जिससे के जस्टिस लीग मूवी भी उसी के अंडर आती है। वेल, तो उन लोगों ने उसका एक आर्ट पोस्टर रिलीज किया है, जिस पोस्टर में हमें सभी सुपर हीरोज का लोगो नजर आ रहा है, उनमें से एक लोगो ग्रीन लैंटर्न का है। तो क्या फिल्म में ग्रीन लैंटर्न होगा? वेल, इस लोगो को तो देखकर लगता है कि इस फिल्म में ग्रीन लैंटर्न कन्फर्म हो गए। वेल, पहले ये बात कन्फर्म थी, लेकिन अब ये फिल्म जॉश के हाथ में है तो ये बात कन्फर्म नहीं है कि इस फिल्म में हमें ग्रीन लैंटर्न नजर आने वाला है। जहाँ तक है तो ग्रीन लैंटर्न इस फिल्म में होगा, अगर नहीं होता तो कंपनी उसका लोगो ऊपर नहीं रखती। तो ये थी वो सारी छोटी डिटेल्स जस्टिस लीग को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।